श्री रामनवमी के संबंध में अलग अलग मंदिरों में रामचरितमानस रामायण पाठ के भोग डाले गए। इसी के तहत श्री गीता मंदिर मॉडल टाउन में भी विधिवत पूजा अर्चना कर श्री रामचरितमानस रामायण पाठ का भोग डाला गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित सोमनाथ पाठक ने बताया कि जहां मंदिर को रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया है, तो वहीं पूजा करने आने वाले भक्तों की दर्शन करने की व्यवस्था को भी ध्यान में रखते हुए विशेष प्रयास किए गए हैं। इस मौके पर पंडित ओम प्रकाश, दुर्गा प्रसाद, रामकिशोर, रमेश, राधेश्याम, मोहन पांडे और लक्ष्मण ने मंत्रोच्चारण कर हवन यज्ञ को संपूर्ण करवाया। इस अवसर पर विजय खुल्लर, बांकेलाल पुरी, संदीप शुक्ला, प्रदीप कुमार, सुनील शर्मा, कृष्णा चौहान, कमलेश रानी, सुदेश कक्कड़, प्रमोद मेहता, वीना दुग्गल, सुमन चोपड़ा, अनिल अरोड़ा सहित बड़ी संख्या में भक्तजन मौजूद रहे। अंत में प्रसाद रूपी लंगर भी वितरित किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। जी हाँ जी, खुल्लू सर बोल। सियापति रामचंद्र महाराज की जय। आज प्रभु राम जी के जप प्रगट उत्सव देते गीता मंदिर मॉडल टाउन दे विच पंडित सोमनाथ जी पाठक जी हट पुजारी जी के अध्यक्षता दे विच श्री रामायण जी का जरा खंड पाठ है वह संपूर्ण रामायण जी का पाठ का भोग पाया गया। उस तो बाद लंगर का वितरण होया, प्रसाद वंडिया गया, सारी संगत को अज के शुभ दिवस से बहुत बहुत मुबारकबाद। सारी मंदिर की मैनेजिंग कमेटी के सदस्य उन्होंने भी सारे बहुत बहुत मुबारकबाद। अज का जोड़ा शुभ उत्सव है ये नाल ही असी दैनिक सवेरा के चीफ एडिटर श्री शीतलवीर जी उन्होंने सारी टीम बड़े आभारी हाँ कि जदों भी गाहे बगाए कोई भी मंदिर प्रोग्राम धार्मिक उत्सव होंगे हैं वो हमेशा साड़ी अपना चाहे दैनिक सवेरा की अपना कवरेज होए या हलचल चैनल पर आए या दैनिक सवेरा टीवी पर होए सारे पास सानू पूरा सहयोग देंगे हैं। उन्होंने असी बहुत बहुत मुबारकबाद देंगे हाँ। तो देवी तलाब मैनेजिंग कमेटी ने भी बहुत बहुत मुबारकबाद देने जी कि कल उन्होंने शोभा यात्रा बड़े धूमधाम के नाल सारे जलंधर एक अयोध्या की नगरी बनाई हुई सी। अज असी गीता मंदिर मैनेजिंग कमेटी की तरफ तो भी और सारी मैनेजिंग कमेटी को बहुत बहुत मुबारकबाद दें। आज जो है श्री राम जन्म की उपलक्ष्य जो कि श्री रामचरित मानस का अखंड पाठ नवपुराण रखा हुआ कवि प्रमोद मालवीय ने उसकी पूर्ण होती हुई और गुरु महाराज के दर्शन करने के लिए बहुत से लोग यहाँ उपस्थित हुए। मंदिर के मेम्बरान सब यहाँ उपस्थित थे। उसके पश्चात जो है लंगर लगाया गया। गुरु महाराज की आपको रामनवमी की बहुत बहुत बधाई हो। आप इस तरह मंदिर में आते हैं आशीर्वाद प्राप्त करके। श्री रामनवमी उत्सव कमेटी चंडियाला गुरु की ओर से श्री रामनवमी के अवसर पर रघुनाथ मंदिर डालियाना से विशाल शोभा यात्रा निकाली गई जो कि शहर के अलग अलग बाजारों से होते हुए वापस मंदिर प्रांगण में आकर संपन्न हुई। इस दौरान शोभा यात्रा में शामिल भक्तों ने प्रभु श्री राम जी की महिमा का गुणगान कर माहौल को भक्तिमय रूप प्रदान किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ की धर्मपत्नी सुहेंद्र कौर और बाबा परमानंद जी ने विशेष रूप से उपस्थित होकर प्रभु श्री राम जी का आशीर्वाद प्राप्त किया और सभी शहरवासियों को श्री रामनवमी की शुभकामनाएं दी। इस दौरान भक्तों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर और लंगर लगाकर शोभा यात्रा का स्वागत किया। इस मौके पर नगर कौंसिल प्रधान संजीव कुमार लवली, उत्सव कमेटी के प्रधान सोनी, साहिल शर्मा, सरबजीत सिंह डिम्पी, सत्येंद्र सिंह सहित असंख्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जंडियाला गुरु से हलचल के लिए अश्विनी शर्मा की रिपोर्ट। रामनवमी कमेटी बनी हुई है, सारे लख लख बधाई है, शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, सारे खुशियां प्रदान करे राम भगवान, जय जयकार। अज रामनवमी के पावन त्यौहार से कैबिनेट मंत्री सरदार हरभजन सिंह ईटीओ वालों जंडियाला गुरु अते समूह पंजाब नू बहुत बहुत मुबारकबाद शुभकामनावां और परमात्मा राम जी ईश्वर जिहड़े ने वह इस तरह ही पूरी कायनात ते पूरे लोकाई ते अपना आशीर्वाद बनाई रखन। श्री रामनवमी के अवसर पर फिरोजपुर शहर के राधा कृष्ण मंदिर में हर वर्ष की तरह श्री रामनवमी का त्यौहार बड़ी ही श्रद्धापूर्वक मनाया गया जिसमें प्रभु श्री राम जी के भजनों का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को निहाल किया।
इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने मंदिर में पहुंचकर प्रभु श्री राम जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर मंदिर के पुजारी श्याम सुंदर ने बताया कि मंदिर कमेटी की ओर से लंगर का प्रबंध भी किया गया है। इस मौके पर मंदिर कमेटी के कार्यकर्ता परमिंदर कुमार सहित असंख्य भक्तजन भी मौजूद रहे। फिरोजपुर से हलचल के लिए मंजीत सिंह की रिपोर्ट। आज भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का जन्मदिन है। श्री कृष्ण मंदिर भोला जी देवा शहर बाजार दुर्गा दास में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। जय श्री राम। ये हर साल ऐसे मनाया जाता है? हर साल ऐसे मनाया जाता है, हर साल इस तरह से मनाया जाता है। और संगत भी अपने धन मन धन से यहाँ पर इकट्ठी होती है। जय श्री राम। श्री कृष्ण मंदिर भोला जी देवा रामनवमी का त्यौहार श्री राम जी का संपूर्ण पाठ करके बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। श्री राम नवमी के संबंध में शहर के मंदिरों में श्री रामचरितमानस रामायण के भोग डाले गए। इसी के तहत श्री सत्यनारायण मंदिर अर्बन एस्टेट फेज वन चालंदर में भी विधिवत पूजा अर्चना कर श्री रामचरितमानस रामायण पाठ का भोग डाला गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए पंडित बनवारी प्रसाद शास्त्री ने बताया कि श्री राम जन्म उत्सव दुनिया भर में बड़ी ही धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दौरान महिला संकीर्तन मंडली की ओर से संकीर्तन का आयोजन भी किया गया, तो वहीं भक्तों द्वारा फूलों की वर्षा भी की गई। इस अवसर पर पंडित सुरेश शास्त्री, ललित जोशी, राधेश्याम मिश्रा, दीपक जोशी, जनकराज पाठक और पवन शर्मा ने पूजा अर्चना कर महायज्ञ को संपूर्ण करवाया। इस मौके पर निर्मल शर्मा, सुमन पाठक, मोनिका कपूर, सुदेश राणा, किरण मिन्हास, राधा, श्यामा रानी, पूजा, विमला, मंजू, किरण सहित बड़ी संख्या में भक्तजन मौजूद रहे। अंत में प्रसाद रूपी लंगर भी वितरित किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। आज श्री सत्यनारायण मंदिर अर्बन स्टेट फेस वन पंजाब एवेन्यू में श्री रामनवमी के उपलक्ष में श्री रामचरितमानस का नवपारायण पाठ जो कि प्रथम नवरात्र से प्रारंभ हुआ था, आज श्री रामनवमी के पावन अवसर पर श्री रामचरितमानस पाठ का समापन और साथ में श्री राम जन्म उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया। आप सभी को श्री राम जन्म उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज सभी प्रभक्तों ने आकर के श्री रामचरितमानस पाठ में भाग लेकर के भगवान श्री राम जी का आशीर्वाद प्राप्त किया और साथ ही सारी संगत ने पूरे नवरात्र में यहाँ पर भजन संकीर्तन के साथ श्री दुर्गा स्तुति का पाठ प्रतिदिन सुबह 10:30 बजे से 12:30 बजे तक चलता रहा। सभी को बहुत बहुत बधाई। फेडरेशन ऑफ किरियाना एंड ड्राई फ्रूट कमर्शियल एसोसिएशन मजीठा मंडी अमृतसर व मजीठा मंडी एसोसिएशन की ओर से श्री राम नवमी के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा निकाली गई। ये शोभा यात्रा विभिन्न बाजारों से होती हुई श्री दुर्गियाना मंदिर में जाकर संपन्न हुई। इस दौरान सुंदर झांकियां भी सजाई गई जिनका भक्तों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। इस मौके पर प्रधान अनिल मेहरा ने बताया कि हम सबको भगवान श्री राम जी द्वारा दिखाए मार्ग पर चलना चाहिए, तो वहीं उन्होंने शोभा यात्रा में भाग लेने वाले भक्तों का धन्यवाद भी व्यक्त किया। इस अवसर पर सलिल अरोड़ा, सुभाष गोयल, गुरदीप सिंह बॉबी, मनदीप कपूर सहित असंख्य भक्तजन भी मौजूद रहे। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। माध्यम सारे धर्म प्रेमी जनता को बहुत बधाई और खास करके जी मजीठ मंडी ये रामनवमी उत्सव कमेटी है इन्हों का विशेष जोड़ा है इन्हों बधाई और धन्यवाद प्रभु के प्रार्थना है कि देखो इन्ने साल तो यानी मेरा ख्याल है 3 पीढ़ियां बदल गई हैं और 3 पीढ़ियां तो बाद भी उसे उत्साह के नाल कढ़ते हैं और इन्होंने अपने कल्चर को अपनी संस्कृति को धर्म को बचा के रखा है। व्यापारी बहुत बहुत धन्यवाद परमात्मा इन्हों होर ताकत बख्शे। जय श्री राम। अमृतसर के लौंगावाली मंदिर में
रामनवमी के अवसर पर महंत दिव्यांबर मुनि जी महाराज के सानिध्य में श्री रामचरितमानस पाठ का भोग डाला गया और कंजक पूजन कर भंडारा लगाया गया। इस अवसर पर महंत दिव्यांबर मुनि जी ने कहा कि यहाँ पर सबकी मुरादें पूरी होती हैं और लोगों को धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। आज नवरात्र के पावन महापर्व पर रामनवमी के पावन उपलक्ष्य में मंदिर माता लौंगावाली देवी जी में हर बार की तरह इस बार भी बड़े उत्साह नाल ये नवरात्र बहुत ही धूमधाम से मनाए गए, श्रद्धा से मनाए गए। आज रामायण जी का भोग डाला गया और कंजक पूजन भी अभी करने जा रहे हैं और उसके बाद में हमारे यहाँ जो मंदिर माता लौंगावाली देवी जी में कड़ी प्रसाद की परंपरा है, कड़ी का भी अटूट लंगर यहाँ बरताया जाएगा और महामाई का ये दरबार में जो भी आता है जैसी भी भावना लेकर के आता है महामाई उसका भंडार भरती है, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं, ऐसा सभी का मानना है। आज के कड़ी प्रसाद को लेने के लिए बहुत दूरों दूरों से संगत यहाँ पर आती है और सभी को यहाँ पर अटूट लंगर दिया जाता है, बरताया जाता है। श्री रामनवमी के उपलक्ष्य में श्री सनातन धर्म मंदिर तोपखाना बाजार जालंधर कैंट में भी श्री रामायण पाठ का भोग डाला गया। इस मौके पर पंडितों ने विधिवत पूजा अर्चना कर हवन यज्ञ को संपूर्ण करवाया। इस दौरान बड़ी संख्या में मौजूद श्री राम भक्तों ने हवन यज्ञ में आहूतियां डाल आशीर्वाद प्राप्त किया, तो वहीं भक्तों ने प्रभु श्री राम जी की महिमा का गुणगान कर माहौल को भक्तिमय रूप प्रदान किया। अंत में प्रसाद रूपी लंगर भी वितरित किया गया। श्री रामनवमी के उपलक्ष्य में स्माइल क्लब की ओर से गुरु अमरदास चौक नजदीक स्थित पोलकी शोरूम के समक्ष भव्य लंगर का आयोजन किया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए क्लब की सदस्य गार्गी ने बताया कि स्माइल क्लब एक फंडिंग ग्रुप है जो कि महिलाओं द्वारा बनाया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य गरीब तथा जरूरतमंद लोगों की अधिक से अधिक सहायता करना है। उन्होंने कहा कि कोई भी महिला उनके क्लब को ज्वाइन कर सकती है। इस मौके पर उन्होंने सभी देशवासियों को श्री रामनवमी की शुभकामनाएं भी दी। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन जतेंद्र की रिपोर्ट। श्री रामा मंदिर जालंधर छावनी में श्री रामनवमी का त्यौहार बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर कंजक पूजन भी किया गया। इस मौके पर पूर्व पार्षद हरविंदर सिंह पप्पू ने विशेष रूप से उपस्थित होकर माथा टेक आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर प्रधान कमल चौहान, राजेश चौहान, प्रभुदयाल, भरत अटवाल जोली, पंडित राजेंद्र शर्मा राजू, लक्ष्य शर्मा, रणदीप सोडी, गंगा, उषा, आशा सहित असंख्य भक्तजन भी मौजूद रहे। अंत में प्रसाद रूपी लंगर का आयोजन भी किया गया। जालंधर कैंट से हलचल के लिए कैमरामैन जतिन राजपूत की रिपोर्ट। मां काली ने दो देवियां ने जो लगाते असि रामा मंदिर दे विच पूजे, सारी कैंट ने मिल के छोटी छोटी गजरा ले आके सानू शीवा दिता। ओदे विच साडे छोटे भरा अटवाल जोली जी जो के वार्ड नंबर 6 तो कौंसलर ने, उन्होंने जो के जो असि मोदी जी का सारा सिस्टम देख के उन्होंने नाल सारा कैंट असि जुड़न लई होए पे आ, उन्होंने विच सानू साडे जोली नू जो के वाइस प्रधान बनाया दा बीजेपी दा, ओदे विच असि रामा मंदिर दे विच अज इन्हां नू बहुत सम्मानित किया कि इस तरह ही यह चढ़दियां कलां च रहन। असी अपने वालों जलंधर प्रधान जी का बीजेपी का और कैंट वाले का और पूरे पंजाब का असी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज श्री सनातन धर्म मंदिर के अंदर जोली अटवाल जी आए हैं और हमारे हरविंदर सिंह जी चेयरमैन जी और अध्यक्ष श्री कमल चौहान जी, प्रभुदयाल वधवा जी, कोजी साहब, काका जी, सभी यहाँ पर भक्तजन जगदीशी सभी ने उपस्थिति हाजिर की है और हमारे चेयरमैन साहब को और जोली साहब को दोनों को बहुत बहुत बधाई। सनातन धर्म रामा मंदिर जलंधर कैंट अध्यक्ष कमल चौहान कमेटी, हमारे चेयरमैन रविंदर सिंह पप्पू जी, प्रभुदयाल वधवा जी, उषा रानी जी, आशा रानी जी प्रधान, हमारे लेडीज हमारी कमेटी ने नरातों के बीच में पूरे 9 दिन रातों में कीर्तन किया गया है, जो कि संगत हमें भी मालूम नहीं है कि कहां कहां से आई है। ये माँ का आशीर्वाद है, ये संगत इतनी रामा मंदिर में आई है, ये माँ का आशीर्वाद है। माँ के आशीर्वाद से लोग आशीर्वाद लेने के लिए रामा मंदिर में आते हैं और हम जोली जी का जो कि अटवाल और उनका वार्ड नंबर 6 थे, लक्ष्य लड़के कौंसलर बने हुए हैं, हम उनका भी अति धन्यवाद करते हैं जिन्होंने
कन्या पूजन में, कन्या पूजन में आगे हिस्सा लिया और आशीर्वाद लिया माँ का। छोटे छोटे बच्चे, नन्हे नन्हे बच्चे जो आए हैं, उनका आशीर्वाद बहुत मुश्किल मिलता है। जो कि कल देवी तलाब मंदिर तो शोभा यात्रा निकली, वो शीतल पीठ की रह माई के अंदर हुई, और वो शोभा यात्रा जिन्होंने भी देखी होगी, इस तरह लग रहा है कि जिदा अयोध्या नगरी इन्नी सजी हुई है। और मैं अपने वालों, अपने रामा मंदिर वालों, पूरे गेट वालों शीतल पीठ जी को लख लख बधाई देना, और मैं उन्होंने फिर रामा मंदिर वालों एक होर बधाई देना जरा कि उन्होंने दो साल लई द्वारा जो सेवा का मौका देवी तलाब का दिता है, इस तरह दो साल की 200 साल वो इस तरह ही देवी तलाब मंदिर की सेवा करते रहे और जलंधर निवासियों की सेवा करते रहे। मैं शीतल बेद जी और उन्होंने सारी टीम लख लख बधाई देना, अभिषेक बेद जी शीतल बेद जी और सारे अपने वालों इतों गेट वालों बधाई देना कल की शोभा यात्रा की। जय श्री राम, जय श्री राम। अखिल भारतीय दुर्गा सेना संगठन की ओर से प्राचीन शिव मंदिर दमोरिया पुल नजदीक जालंधर में मां बंगलामुखी हवन यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें अखिल भारतीय दुर्गा सेना संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री श्री 108 स्वामी सिकंदर जी महाराज गुरु मां नीरज रत्न ने विशेष रूप से उपस्थित होकर विधिवत पूजा अर्चना कर आए हुए यजमानों से आहुतियाँ डलवाकर यज्ञ को सम्पूर्ण करवाया। इस मौके पर विशाल शर्मा, वैभव शर्मा, पंडित चक्र प्रसाद जोशी सहित असंख्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए संदीप शर्मा की रिपोर्ट। बगलामुखी के पावन दरबार में आई सारी संगत का हार्दिक अभिनंदन। शायर जो होते हैं कई बार ऐसी चीजें लिखते हैं कि जिसका भी पराय हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि किसी शायर ने लिखा है कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करती है तुम भवानी, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ये जो चीज है ये देखने की होती है, ये मन से निकलती है, तब निकलती है जब हम वो सब कुछ पा लेते हैं जो हमें चाहिए होता है। श्री गीता मंदिर अर्बन एस्टेट फेज वन में चल रहे नवरात्रों की शाम माँ ज्योतावाली दे नाम भजन संध्या को विश्राम दिया गया। इस अवसर पर असंख्य माँ भक्तों ने हाजिरी लगाकर अपने पारिवारिक सुख और विश्व मंगल की शुभकामना की, जिसके बाद सभी ज्योतियों को श्री देवी तलाब मंदिर परिसर में लाकर विधि विधान एवं मंत्रोच्चारण सहित स्थापित किया गया। इस मौके पर प्रधान राकेश अग्रवाल सहित मंदिर कमेटी के सभी सदस्यगण मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए संदीप शर्मा की रिपोर्ट। जयकारा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय। मैं राजेश अग्रवाल, प्रधान गीता मंदिर अर्बन स्टेट फेज वन से आज रामनवमी के उपलक्ष में सभी राम भक्तों को लाख लाख मुबारकबाद देता हूँ। कल शोभा यात्रा निकली थी सिद्धपीठ श्री देवी तलाब मंदिर से, आज हमारे मंदिर में भी श्री रामनवमी का त्यौहार मनाया गया। उसके तुरंत बाद हम सभी लोग जो 12 सिद्ध पीठों से हमारे गीता मंदिर अर्बन स्टेट फेज वन में ज्योतें लाई गई थी, माता रानियों की, भैरव बाबा की और सरासर हनुमान जी की, आज जो हमारा कार्यक्रम है वो संपन्न हुआ। माता की चौकियां समाप्त हुई, हम सभी ज्योतों को, माता की पावन ज्योतों को लेकर सिद्ध पीठ, शक्ति पीठ, सिद्ध पीठ श्री देवी तलाब मंदिर में उनको भक्तों के साथ लेकर आए और उनको वहाँ लाकर हमने रखा है और उनसे प्रार्थना की है कि अगले साल फिर हम लेकर आएंगे उनको। उनकी बहन त्रिपूर्णी माता के दरबार में हमने उनको रख दिया है। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नज़र फिर से।
मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत सिंह मान सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तला मंदिर के पावन दरबार में हुए नतमस्तक, मंदिर कमेटी के अध्यक्ष शीतल विज ने विशेष रूप से किया सम्मानित। सुनाम के चट्ठा रोड पर एक मोटरसाइकिल की कार से हुई भीषण टक्कर, एक की मौत एक गंभीर घायल। श्री रामनवमी के उपलक्ष्य में सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तला मंदिर के पावन प्रांगण से निकाली गई विशाल शोभा यात्रा, उमड़ा भक्तों का सैलाब। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।